सोनम कपूर। दोस्तों अगर हम बात करें सोनम कपूर की, तो सोनम कपूर की कुल संपत्ति 14 मिलियन डॉलर की है और वो 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। रानी मुखर्जी। दोस्तों अगर हम बात करें रानी मुखर्जी की, तो रानी मुखर्जी की कुल संपत्ति 25 मिलियन डॉलर की है और रानी मुखर्जी 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। आलिया भट्ट। दोस्तों अगर हम बात करें आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट की कुल संपत्ति 12 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं आलिया भट्ट इस साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। काजोल देवगन। दोस्तों अगर हम बात करें काजोल देवगन की, तो काजोल देवगन की कुल संपत्ति 24 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं काजोल देवगन साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। कंगना रनौत। दोस्तों अगर हम बात करें कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत की कुल संपत्ति 13 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं कंगना रनौत साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। कैटरीना कैफ। दोस्तों अगर हम बात करें कैटरीना कैफ की, तो कैटरीना कैफ की कुल संपत्ति 20 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं कैटरीना कैफ साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। शिल्पा शेट्टी। दोस्तों अगर हम बात करें शिल्पा शेट्टी की, तो शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति 18 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं शिल्पा शेट्टी 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। प्रीति जिंता। दोस्तों अगर हम बात करें प्रीति जिंता की, तो प्रीति जिंता की कुल संपत्ति 15 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं प्रीति जिंता साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। विद्या बालन। दोस्तों अगर हम बात करें विद्या बालन की, तो विद्या बालन की कुल संपत्ति 18 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं विद्या बालन साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों अगर हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो प्रियंका चोपड़ा की कुल संपत्ति 70 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। रानी मुखर्जी। दोस्तों अगर हम बात करें रानी मुखर्जी की, तो रानी मुखर्जी की कुल संपत्ति 25 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं रानी मुखर्जी साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। ऐश्वर्या राय बच्चन। दोस्तों अगर हम बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो ऐश्वर्या राय बच्चन की कुल संपत्ति 100 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। माधुरी दीक्षित। दोस्तों अगर हम बात करें माधुरी दीक्षित की, तो माधुरी दीक्षित की कुल संपत्ति 34 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं माधुरी दीक्षित साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। दीपिका पादुकोण। दोस्तों अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण की, तो दीपिका पादुकोण की कुल संपत्ति 40 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं दीपिका पादुकोण साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। अनुष्का शर्मा। दोस्तों अगर हम बात करें अनुष्का शर्मा की, तो अनुष्का शर्मा की कुल संपत्ति 36 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं अनुष्का शर्मा साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है। करीना कपूर। दोस्तों अगर हम बात करें करीना कपूर की, तो करीना कपूर की कुल संपत्ति 60 मिलियन डॉलर की है, तो वहीं करीना कपूर साल 2023 में कुछ ऐसी दिखती है।